शहर में पिछले दिनों पड़ी भारी वर्षा के बाद बाढ़ के हालातों की वजह से शहर के बहुत सारे दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर शहर के सभी दुकानदार और व्यापारी लोगों के द्वारा शहर के श्री सनातन धर्म मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आम आदमी पार्टी सरकार से मांग की गई कि जिन दुकानदार व्यापारियों का बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ है, उन्हें बनता मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाए, जिससे कि एक जरूरतमंद दुकानदार अपनी दुकानदारी फिर से चला सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। दुकानदारों ने कहा कि वे जल्द ही इस संबंध में आगामी बैठक का आयोजन करेंगे, जिससे कि अगली रणनीति तैयार की जाएगी। देखो जी, कुदरती आफत आई है, पानी भी शहर के बीच क्या इलाके बहुत ज़्यादा है, जिदे नाल हर एक दुकानदार अफेक्टेड हो, सब के घर पानी बढ़िया, कई दुकाना इस तरह हम अभी कमिस्ट्री यूनियन के अपनी गल करा तो साढ़े कमिस्टर के 70% दुकाना च पानी बढ़िया। मैं खुद मेरी भी दुकान पानी बढ़िया। सो अज मीटिंग हुई है व्यापार मंडल की, असी व्यापार मंडल के नाल तय दिल से, पर सरकार ने जो ये कहा भी अपन एप्लीकेशन है जिन्हों का होया, फोटो खिंच के देखो उस टाइम जिस टाइम पानी दी फ्लो इन्ना जबरदस्त था कि आदमी लिखना औखा था, पर उस टाइम वो फोटो खिंचे कि एप्लीकेशन दे। हाँ, ये हर एक बंदे की अपनी ईमानदारी है भी हाँ मेरा नुकसान होया, वो अपना लिख के कमेटी दे, सरकार को जोड़ा चाहिए कि वह वो तो वो मुआवजा दे, जो बनता जो जायज मुआवजा बनता वो दे, कि लोग बहुत इस तरह के दुकानदार हैं जोड़े हैंड टू माउथ हैं, जिन्हें घर रोटी भी नहीं पकती, बिलकते देखे हैं, जिन्होंने अज तो 30 साल पहले असी भी देखे जब फ्लड आया, लेकिन जोड़ा हूँ का फ्लड आया वो पिछले फ्लड नालों भी बहुत ज़्यादा था। मोरिंडा से राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट, यू मार्ग टीवी।